चलिए, तो मेरे लिए तो ये अभी मानना ही मुश्किल है कि आप मेरे सामने हो, मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो थैंक यू कि थैंक आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमको कि आपसे रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि सर जी, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा दो व्यक्तियों का मेरे जीवन पे बहुत बड़ा असर है, और दोनों महाराष्ट्र से हैं। एक है पांडुरंग शास्त्री आठवले और एक सर जी आप हो। यू। अरे तो मेरे थैंक लिए तो बहुत खुशी की बात है सर जी, है ना। यू थैंक यू। तो और ये कोर्स मैंने इसीलिए ही ज्वाइन किया क्योंकि पहले तो फर्स्ट नेम था कि राम माले, तो थैंक मुझे तो करना ही था। यू सर, और थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर सर जी आप कोई भी कराओगे तो डेफिनेटली समय की अनुकूलता होगी तो मैं श्योर ज्वाइन करूंगी, क्योंकि आई वुड लव टू कि मोस्ट आपके वेलकम, साथ मोस्ट वेलकम, कहीं, मुझे बहुत खुशी हाँ हुई। जी, थैंक यू। आपसे कहा सीखूं। क्योंकि ना सर जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस फील्ड में ना थोड़ी नई हूँ। योग यस सर। मेरा पैशन पैशन है और इसमें आसन मेरा ज्यादा है। तो आपसे एनेटोमी पहले तो पढ़ी यस लॉकडाउन में, ठीक यस है। तो फिर आपका फर्स्ट ही इम्प्रेशन इतना हुआ है मेरे पे कि मुझे सेकंड तो ज्वाइन करना ही था। और निंद्रा का जो आपने बच्चा बताया वो भी अच्छा लगा। फिर बहुत थैंक ऐसी यू। बात है कि जो आपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि गोल सेट करना, तो वो माइंड में है अभी कि अभी मुझे क्या करना है ना। अभी पता चल रहा है धीरे धीरे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आपने राइट। एक लेक्चर में जो धारणा शक्ति बताई थी, अमेजिंग सर, अमेजिंग। मैं बार थैंक बार सुनती रहती थी उस दिन वो लेक्चर को। मैंने आपको बताया था शायद कि आप मुझे रिकॉर्ड भेजना। यू। तो बहुत ही, और एक बात जो आप में और मेरे में सिमिलर थी वो है पूर्व अविभाषी, जो आपने बोला था ना कि ये शब्द मेरा भी ऐसा ही है सर। मैं ज्यादा खुल के बोल नहीं पाती, तो सीखा है आपसे भी काफी कुछ सीखा है, ये कोर्स में भी काफी कुछ सीखा है। डेफिनेटली आयुर्वेद शास्त्र तो पढ़ा है, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, कुछ नए जानने को मिला। और इन थेरेपी में डिजीजेस के बारे में जानना मिला, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं सर जी, ड्राइंग मेरा अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा ड्राइंग एंड क्राफ्ट, बेसिकली आई एम ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर सर जी। तो अच्छा ये टोटली फील्ड मेरे लिए नया ही है, पर पहले ही शुरुआत में आप मिल गए ना, मेरी तो शुरुआत ही अच्छी हो गई। अभी थैंक ना मुझे कोई फिक्र नहीं, अभी मंजिल जितनी भी आगे है, पर मैं अच्छा ही करूंगी, मुझे पता है। क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मुझे गाइड करोगे इन यस सर, एनी सिचुएशन, इन डेफिनेटली एनी डेफिनेटली फील्ड, है ना यस, सर जी। मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अभी आपको क्या लगता है कि जो हमारे योग मित्र होते हैं, योग टीचर्स होते हैं, उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, उनको फायदा होगा? डेफिनेटली डेफिनेटली सर जी, डेफिनेटली फायदा होगा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि थेरापी मीन्स डिसीजेस बारे में ही हम पढ़े। डिसीजेस को पढ़ना है राइट तो उसके पहले एनेटोमी भी आती है, फिजियोलॉजी भी आती है, और उसके पहले जो हमारी शरीर रचना में हमको पहले तो मनुष्य है तो क्या हमारे दोष हैं, क्या हमारे में गुण है, वो सब जानना भी इतना राइट जरूरी है। तो राइट आपने तो इतना कंप्लीट राइट कॉम्बो करके रखा है ना सर जी, कि आयुर्वेद भी पढ़ लिया जैसे लगता है, इतना तो शास्त्र है, इतना नहीं पढ़ पाए हम, पर शुरुआत राइट हो गई है अभी, और हो गई कुछ है। जानेंगे। और अभी सर्च करते रहते हैं कि नया नया कुछ जाने इसमें। अभी आज ही सर मैंने सुवर्ण प्राशन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि आपने अभी आयुर्वेद का थोड़ा पढ़ा दिया, तो अभी वो भी अच्छा लगता है कि वो भी क्या चीज है ना। तो यस ये साथ साथ में काफी ये कॉम्बो ही इतना अच्छा है, पूरा कंप्लीट, कि यस नेक्स्ट भी कुछ भी यस उसका पार्ट टू भी आया। तो बहुत डेफिनेटली आई विल बहुत कुछ ज्वाइन। सीख लिया हमने इसमें। अभी इसका पार्ट टू बनाने में बहुत और रिसर्च लगेगा बड़ा, क्योंकि ये हाँ कोर्स जी सर, बनाने में इतना रिसर्च लगा कि क्या टॉपिक होना चाहिए, किस तरह से हम इसमें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और कई सारी बातें कवर कर ले, क्योंकि हमने इसमें काउंसलिंग सीखी है, बहुत से प्रैक्टिकल चीजें सीखी है। तो डेफिनेटली आपके आशीर्वाद से, सपोर्ट से डेफिनेटली हम इसमें और आगे नहीं नहीं बढ़ेंगे सर भी। जी, और थैंक यू आपने तो सो मच पर्सनालिटी आपके डेवलपमेंट भी करा दी हमारी। पूरा यस क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमने पर्स सीखा कि हाँ शास्त्रीय हाँ वे से जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, जो लाइफ टाइम एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग टिकी रहे, है ना, जो बाकी की बातों से प्रभावित ना हो।
सो वंस अगेन हाँ थैंक जी, हाँ यू जी, फॉर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा नहीं लगा नहीं मुझे, और आई थिंक हमारा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है ना। जी, इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं मान नहीं पा रही हूँ, जस्ट सिवर ही गया, मेरी बॉडी पूरा सिवर हो रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे थैंक एंड सो मच। नहीं, मुझे तो, मेरे लिए तो और सौभाग्य होगा कि आपसे बात करती रही, पर आप बिजी हो सर जी, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता है आप बिजी हो तो। थैंक यू।